गाइज, तो ये एपिसोड 3 है जिसमें हम बताएंगे आपका अपना चैनल पे वीडियो किस तरह से अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद टाइटल क्या दे सकते हैं वीडियो को, उसके बाद टैग, उसके बाद डिस्क्रिप्शन और उसके बाद थंबनेल क्या लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन सभी बातों का जवाब और इस वीडियो में लाइव करके हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सीखने का बहुत ही अच्छे वे में हम चलेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का जानकारी आपको मिस ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी आप अपने चैनल क्रिएट कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से प्रोफाइल आपका दिखेगा जब आप यूट्यूब खोलेंगे। तो उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, फिर आपको देखिए यूट्यूब स्टूडियो पर आपको क्लिक करना होगा। तो YouTube स्टूडियो पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। दोस्तों, ये इंटरफेस कहलाता है YouTube स्टूडियो, जिसमें आप अपने सारे वर्क कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि जो भी आप अपना लोगो लगाए थे ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि जब आप अपने चैनल के लिए लोगो बना के उसमें अपलोड कर देंगे तो ये अपडेट होने में 4 घंटा, 5 घंटा, कभी कभी 12 घंटा भी लगता है। तो इसलिए आपको घबराने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है शो हो रहा है कि ये अपलोड हो चुका है और ये आपका लोगो ऐसा है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपका साइन मिल जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड का ये साइन है और यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट। ये दोनों से आप अपलोड अपने वीडियो को कर सकते हैं। जैसे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अपलोड वीडियोज और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अपलोड वीडियोज और गो लाइव, यानी कि अब जब कोई लाइव यूट्यूब पे आता है तो गो लाइव पे आपको क्लिक करना होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बात करने वाले हैं वीडियो को किस तरह से अपलोड करते हैं। तो चलिए वीडियो अपलोड पर क्लिक करते हैं। वीडियो अपलोड पर जैसे ही आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना होगा और जहाँ आप अपने वीडियो को रखे हुए हैं उस फाइल को ओपन कर लीजिए। तो हम यहाँ दोस्तों कुछ सेकंड का वीडियो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करके रखे हुए थे आपको जस्ट दिखाने के लिए कि किस तरह से वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो है, इसको सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से ओपन कर देंगे तो ये वीडियो यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि ये वीडियो का जो टाइटल था डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो रिकॉर्डिंग में आता है वो यहाँ पे टाइटल हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए कह रहा है, उसके बाद यहाँ पे थंबनेल लगाने के लिए कह रहा है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट क्या होता है आपको ये भी बताएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑडियंस, यहाँ पे यूट्यूब का जो नया रोल आया था उसमें आपका इन तीनों में से जो भी वीडियो है जैसे कि मेड फॉर किड्स या नॉट मेड फॉर किड्स, इस पर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद आपको मोर ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको टैग लगाने के लिए बोलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टैग। ऐड टैग पे दोस्तों आपको बहुत सारा टैग लिखना पड़ता है जो आपके वीडियो को रैंकिंग बढ़ाता है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए वीडियो लगभग कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरह से अपलोड हो गया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है फिनिश्ड प्रोसेसिंग। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस था अपलोड का, दोस्तों अपलोड का जो भी प्रोसेस था ये पूरी तरह से फिनिश्ड हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो वीडियो अपलोड हुआ है इसमें से ये 1, 2 और 3 जो थंबनेल है डिफ़ॉल्ट होता है और ये एक अपलोड होता है जो आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो में लगा सकते हैं। थंबनेल पे एक वीडियो आपको मिल जाएगा कि थंबनेल किस तरह से बनाया जाता है और अपने वीडियो में थंबनेल कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि टाइटल आपको कैसे देना है। जैसे कि दोस्तों ये वीडियो हम बनाए थे अपने डेस्कटॉप का, तो यहाँ पे लिख देते हैं लैपटॉप, लैपटॉप विंडोज 10, विंडोज 10 स्क्रीन। तो यहाँ पे स्क्रीन लिख देना है। तो ये दोस्तों हो गया आपका टाइटल, यानी कि जो भी जिस टॉपिक पे आपका वीडियो है उसके बारे में आपको टाइटल दे देना है, यानी कि जो भी वीडियो आप उस वीडियो में अंदर में बताए हैं उसके बारे में आपको टाइटल में लिखना है।
डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिखना है जैसे कि इस वीडियो में आप क्या क्या बताए हैं। तो यहाँ में जैसे कि दोस्तों इस वीडियो में हम बताए थे दिखाए हैं डेस्कटॉप, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए डेस्कटॉप हो गया। उसके बाद स्पेस देके यहाँ पे लिख देंगे लैपटॉप। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे स्क्रीन। दोस्तों ये सभी बातें हम इस वीडियो में कवर किए थे। उसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन फिर से मिल जाएगा आपको थंबनेल का। जैसे कि दोस्तों थंबनेल पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको थंबनेल अपलोड करने के लिए कहेगा, इसमें भी आपको एक वीडियो नीचे मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट जब आप बना लेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में भी उस वीडियो को रख सकते हैं। जैसे कि क्रिएट प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कीजिए तो आपका जैसे कि लैपटॉप रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं आप, तो यहाँ पर लिख दीजिए लैपटॉप और यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये वीडियो जो अभी अभी आप अपलोड किए हैं ये लैपटॉप रिलेटेड है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ से डन कीजिए, तो ये वीडियो लैपटॉप वाले प्लेलिस्ट में चला जाएगा। आगे से जब भी आपको वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड करेंगे तो यहाँ पे लैपटॉप का जो भी वीडियो होगा इस प्लेलिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे ऑप्शन है यस इट्स मेड फॉर किड्स, उसके बाद दोस्तों नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, यानी कि ये वीडियो जो है सो बच्चे के लिए नहीं है, ये बच्चे से ऊपर वाले एज के लिए है, तो आपको यहाँ पे नॉट मेड फॉर किड्स पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए टैग, टैग दोस्तों किस तरह से लिखना है ताकि आपका वीडियो का रैंकिंग बढ़े, आपका वीडियो पे वायरल हो जाए, आपका वीडियो पे ज़्यादा व्यू आ सके। इसके लिए दोस्तों जैसे कि अभी इस वीडियो में हम कवर किए थे ताकि वीडियो सर्च में ज़्यादा आए, इसके लिए आपको लिखना होगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप देने के बाद आपको इंटर दबाना है, उसके बाद स्क्रीन, फिर इंटर दबाना है, उसके बाद लैपटॉप, फिर आपको इंटर दबाना है। इसी तरह से दोस्तों आपको जो जो आइडिया है अपने वीडियो के बारे में, जो जो बात उस वीडियो में है उस बात को आपको यहाँ पे लिख देना है ताकि सर्च जब भी कोई करेगा तो आपको वीडियो पहले लिस्ट में आएगा, तो इसीलिए टैग लिखा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में आप सीख चुके हैं कि किस तरह से वीडियो को अपलोड किया जाता है, टाइटल कैसे लिखा जाता है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है, टैग कैसे लिखा जाता है और थंबनेल किस तरह से लगाया जाता है। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो में हम आपको चलिए नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, वीडियो को जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर फिर से नेक्स्ट कर दीजिए, फिर आपको यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आ जाएगा प्राइवेट का, अनलिस्टेड का और पब्लिक का और शेड्यूल का। दोस्तों इस पर भी एक बारीकी से हम आपको समझा देंगे कि ये चारों ऑप्शन क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको प्राइवेट करना है यानी किसी को नहीं दिखाना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, अनलिस्टेड करना है तो इस पर क्लिक कीजिए और यूट्यूब पे अपलोड करना है तो आप पब्लिक पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम अभी प्राइवेट ही रखेंगे क्योंकि जस्ट ये वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए हम बनाए थे और बताए थे कि किस तरह से अपलोड किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्राइवेट, अनलिस्टेड, पब्लिक और शेड्यूल क्या होता है। उसके बाद दोस्तों एक वीडियो और बनेगा जिसमें हम आपको थंबनेल बनाना और थंबनेल किस तरह से अपलोड किया जाता है ये वीडियो मिल जाएगा आपको इसी प्लेलिस्ट में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, एपिसोड 4 में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलेगा जिसमें आपको सेव और पब्लिश के बारे में बताएंगे, जो कि प्राइवेट, अनलिस्टेड, पब्लिक और शेड्यूल के बारे में अच्छे से आपको क्लियर डॉट हो जाएगा। जो भी डॉट होगा आपके इन सब बातों के रिलेटेड सभी डॉट उसमें हम क्लियर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई टॉपिक नई उम्र के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों एपिसोड 4 आप देखना बिल्कुल भी नहीं भूले। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।